हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज हम सीखेंगे कि जब इंटरव्यू हमारा होता है तो एचआर हमसे कौन कौन से सवाल पूछता है और हम कैसे स्मार्टली उसका आंसर देंगे। तो इसके लिए ये वीडियो उनके लिए है जो फ्रेशर हैं, जो अभी इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं, और ये उनके लिए भी हैं जो एक्सपीरियंस है और जो अपना जॉब चेंज करने वाले हैं, तब इस ऑप्शन में होगा। तो यहाँ पर इंटरव्यूअर के अलग अलग सवाल होते हैं और कैसे हम स्मार्टली उनका आंसर देंगे, तो इसके लिए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, अब आफ्टर दैट जो 10 सवाल होते हैं हमारे, जो हमारा फर्स्ट सवाल होता है वो होता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में बताइए। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो आपका स्टार्ट होगा वो आपके नाम से होना चाहिए। आपका प्लेस कहाँ से है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी पढ़ाई, आपकी एजुकेशन शॉर्ट में, अगर आपको कोई जॉब एक्सपीरियंस है तो उसको भी आपको बताना होगा, एंड सबसे आखिरी में फैमिली की डिटेल। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए माय नेम इज शोभित राठौर, आई बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन कानपुर बट आई लिव इन दिल्ली सिंस 5 ईयर। मेरा नाम शोभित राठौर है और मैं पैदा और मेरी परवरिश हुई है कानपुर में और मैं दिल्ली में पिछले 5 साल से हूँ। आई हैव डन MBA इन IT एंड इन माई टेक्निकल एजुकेशन आई डन CCNA, RSCE, MCSE एंड CEH सर्टिफिकेशन। मैंने अपनी पढ़ाई में MBA किया हुआ है IT में और साथ में टेक्निकल पढ़ाई में CCNA, MCSE, RSCE और CEH सर्टिफिकेशंस किए हुए हैं। आई हैव 11 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन कॉरपोरेट ट्रेनिंग फील्ड इन डिफरेंट कंपनी लाइक HCL, HP, जेट किंग, NIIT। मुझे लगभग 11 साल का एक्सपीरियंस है कॉरपोरेट फील्ड में और मैंने अलग अलग कंपनियों के साथ काम किया हुआ है, जैसे कि HCL, HP, जेट किंग, NIIT। इन माई फैमिली अपार्ट पेरेंट्स आई हैव वाइफ एंड 5 ईयर प्रीटी डॉटर। मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स के अलावा मेरी वाइफ और 5 साल की बेटी है। ओके, तो इसका आंसर हमने बहुत शॉर्ट और बहुत हमने ब्रीफ में दिया हुआ है। अब हम लोग अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, आपकी क्या क्या क्वालिटी है या क्या खूबी है। इंटरव्यूअर जानना चाहता है कि आपको आपकी क्वालिटी पता है, क्योंकि अगर आपको आपकी क्वालिटी पता होगी तो आप उसका अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर आई हैव शेयर्ड सम पॉइंट्स, जैसे कि अडेप्टेबिलिटी, मैं किसी भी एटमॉस्फेयर में आराम से उसे ग्रहण या अडेप्ट कर सकता हूँ। एंड नेक्स्ट वन इज हार्ड वर्किंग, मैं बहुत मेहनती हूँ। थर्ड वन इज ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूँ। फोर्थ वन इज फ्लेक्सिबिलिटी, मैं कंपनी के टाइमिंग के हिसाब से और लोकेशन के हिसाब से अपने आप को बहुत आसानी से फ्लेक्सिबल कर सकता हूँ। नेक्स्ट वन इज ऑप्टिमिस्टिक, इट्स का मतलब होता है पॉजिटिव एटीट्यूड, इट मीन कि सकारात्मक सोच। एंड अगला जो है वो है फास्ट डिसीजन मेकिंग, मैं फैसले बहुत जल्दी लेता हूँ। एंड आखिरी जो है वो है सेल्फ मोटिवेटेड, कि मैं अपने आप को खुद मोटिवेट करता हूँ। तो इनमें से कुछ ऑप्शंस को आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल है, आई एम अ ऑनेस्ट हार्ड वर्किंग एंड सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन विद पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स माई करियर एंड माई लाइफ। मैं ईमानदार, एक मेहनती और एक खुद को सेल्फ मोटिवेटेड और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में अपने करियर और अपनी लाइफ में हूँ। तो इसमें मैंने अपनी 4 क्वालिटी बताई हुई हैं। ओके, अगला सवाल होता है व्हाट आर योर वीकनेस। इसमें हर कोई सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वीकनेस कभी किसी को पता तो इतनी आसानी से होती नहीं है। तब इंटरव्यूअर जानना चाहता है कि अगर आपको आपकी
वीकनेस पता है तो आप उस पर काम भी कर रहे होंगे, जिससे कि आप अपने आप को और ज़्यादा निखार सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट शेयर किए हुए हैं, जैसे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसका मतलब होता है कि अगर आपको कोई भी बात खराब लगती है तो आप सीधे उसके मुंह पर ही बोल देते हो। अगला होता है इम्पेशेंट, इसका मतलब हिंदी में होता है कि आप बहुत उतावले हो। नेक्स्ट वन इज मोर टॉकेटिव, ज़्यादा बातचीत करने वाला। अगला होगा ट्रस्ट पीपल वेरी क्विकली, किसी पर भी बहुत जल्दी भरोसा करना। अगला है आई कांट से नॉट व्हेन समवन आस्क फॉर हेल्प, मैं जब भी कोई मुझसे मदद के लिए कहता है तो मैं उसे ना नहीं कह पाता हूँ। अगला है टू स्पीक लाई इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, मेरे लिए झूठ बोलना बहुत मुश्किल है। अगला और जो आखिरी होगा आई एम अ बिट लेजी अबाउट विच आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं थोड़ा आलसी हो जाता हूँ उस काम के लिए जो जो मेरे इंटरेस्ट का नहीं है। तो यहाँ पर मैंने कुछ ऑप्शन का यूज करके एक सेंटेंस बनाया हुआ है। आई कांट से नो वेन समवन आस्क फॉर हेल्प एंड आई एम अ बिट लेजी अबाउट विच आई एम नॉट इंटरेस्टेड, जब भी मुझसे कोई हेल्प के लिए पूछता है तो मैं मना नहीं कर पाता हूँ और मैं थोड़ा सा आलसी हूँ उस काम के लिए जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। ओके, अब अगले सवाल की ओर हम लोग आते हैं। व्हाई शुड आई हायर यू, इसमें कंपनी आपसे आपसे आपकी खूबी जानना चाहती है कि वो आपको क्यों जॉब दें, क्योंकि आजकल हर एक ऑफिस में अगर 5 वैकेंसीज होती हैं तो 50 कैंडिडेट वहाँ पर होते हैं, तब उस केस में 50 से आप अलग क्यों हो, ये इंटरव्यूअर जानना चाहता है। तब तब इसका आंसर आप बहुत स्मार्टली और बहुत पेशेंस के साथ कैसे देंगे। कुछ पॉइंट हैं, शेयर योर नॉलेज, जो भी आपको आता है आप उनके साथ में शेयर कीजिए। वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो जस्ट शेयर दैट। स्किल रिलेटेड टू जॉब, वो जो जॉब है जिसके लिए आप इंटरव्यू देने के लिए गए हो उसकी स्किल आपको बहुत अच्छे से आती है, मतलब कि उसकी कला आपको बहुत अच्छे से आती है। एंड आखिरी होगा कि करियर गोल, आप उस जॉब को अपने करियर का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट मानते हो। तो ये 4 पॉइंटों को मैंने एक सेंटेंस में कैसे अटैच किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर हमारे 2 एग्जाम्पल्स होंगे, एक तो फ्रेशर के लिए अलग होगा और एक्सपीरियंस के लिए अलग होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फ्रेशर्स के लिए आते हैं। सर एज आई एम अ फ्रेशर आई हैव थ्योरेटिकल नॉलेज बट आई कैन डू हार्ड वर्क फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन। सर जैसे कि मैं एक फ्रेशर हूँ, मुझे अभी किताबी ज्ञान है बट मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकता हूँ कंपनी के लिए। एंड आई विल पुट माई ऑल एफर्ट्स फॉर द गुड प्रोग्रेस ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन, और मैं अपने सारे एफर्ट्स को एक साथ उसमें डालूंगा जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोग्रेस बहुत अच्छी हो सके। बीइंग पंक्चुअल एंड सिंसियर आई कैन फिनिश माई वर्क गिवन डेडलाइन एंड ट्राई माई बेस्ट टू फुलफिल एट नीड्स ऑफ कंपनी फ्रॉम मी, मैं बहुत टाइम से और बहुत अच्छे से जो भी मुझे काम दिया जाएगा मैं उसे समय के साथ खत्म करूंगा और मैं कंपनी के हिसाब से जो भी आवश्यकता होगी मैं उसे पूरा करूंगा। अगला जो एग्जाम्पल है वो एक्सपीरियंस के हिसाब से है। विद रेफरेंस टू माई वर्क एक्सपीरियंस आई सेटिस्फाई दैट ऑल द रिक्वायरमेंट फॉर दिस जॉब, ये जो जॉब है इसमें जो जो आवश्यकताएं हैं मैं सभी को पूरा करता हूँ। आई एम अ सिंसियर विद माई वर्क एंड वुड नेवर लेट यू डाउन इन एनी वे, मैं बहुत सिंसियर पर्सन हूँ और मैं कभी भी आपको निराश नहीं करूँगा। आई विल प्रोमिस यू विल नेवर रिग्रेट फॉर द डिसीजन टू अपॉइंट मी इन योर ऑर्गेनाइजेशन, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर आप मुझे ये जॉब देते हो तो कभी भी आपको पछताना नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये बहुत क्वेश्चन टिपिकल होता है, बट कैसे हमने इसका स्मार्टली आंसर दिया ये अभी हम लोगों ने सीखा। अगले सवाल की ओर आते हैं।
व्हाट आर योर सैलरी रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पर ये सवाल बहुत टेढ़ा होता है, क्योंकि इंटरव्यूअर अगर आपसे ये चीज पूछता है तो नॉर्मली हम उसे अपने हिसाब से सैलरी एग्जैक्टली बताते हैं, बट शायद कंपनी ने जो आपकी जॉब है, जो आपने सैलरी बताई है, उससे ज़्यादा का सोचा होगा। तो इसलिए हम कभी भी एग्जैक्टली सैलरी नहीं बताते हैं, हम कंपनी के हिसाब से बताएंगे। अब यहाँ भी हमारे दो एग्जाम्पल्स होंगे, एक फ्रेशर्स के लिए और एक एक्सपीरियंस के लिए। अब यहाँ पे भी कुछ पॉइंट है। नेवर शेयर योर सैलरी रिक्वायरमेंट एज अ फ्रेशर। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप कभी भी एग्जैक्ट सैलरी नहीं बताएंगे। एक्सपीरियंस कैंडिडेट कैन देयर एक्सपेक्टेड सैलरी। जिनको एक्सपीरियंस है और जिनकी पहले जो जो सैलरी थी वो उससे अधिक सैलरी बताएंगे। ऑलवेज से एज पर द कंपनी नॉर्म्स फॉर द जॉब। आपको बस हमेशा एक ही बात कहनी है कि जो आपकी जॉब है और जो कंपनी के नॉर्म्स हैं उनके हिसाब से सैलरी जो होगी वो आप एक्सेप्ट करेंगे। अब इसके भी कुछ हमारे एग्जाम्पल होंगे, एक फ्रेशर के लिए और एक एक्सपीरियंस के लिए। ओके, तो जो फर्स्ट है वो है, आई एम अ फ्रेशर, सैलरी इज नॉट फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर मी। मैं एक फ्रेशर हूँ और सैलरी मेरी पहली प्रायोरिटी नहीं है। दिस इज बिग प्लेटफॉर्म टू स्टार्ट माई करियर एंड आई ऑल्सो इम्प्रूव माई नॉलेज एंड स्किल एंड एक्सपीरियंस। ये जॉब मेरे लिए काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है मेरे करियर को स्टार्ट करने में, जहाँ पर मैं अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस को बहुत बढ़ा सकता हूँ। सो आई एक्सपेक्ट अ कंसिडरेबल सैलरी अकॉर्डिंग टू माई एबिलिटी एंड योर कंपनी नॉर्म्स विच विल फुलफिल माई इकोनॉमिकल नीड्स। तो मैं ऐसी सैलरी को एक्सेप्ट करता हूँ जो कि कंपनी के हिसाब से और जो मेरे रहने और खाने का खर्चा मैं बहुत आराम से उठा सकूँ। तो यहाँ पर आपने शहर के हिसाब से अपनी सैलरी को डिफाइन किया हुआ है, और आपने एग्जैक्टली ना बताकर आपने बात को घुमाकर उसी चीज को कहा हुआ है। ओके, अगला एग्जाम्पल हमारा एक्सपीरियंस के लिए है। आई हैव 9 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रेनिंग फील्ड। माई करेंट सीटीसी इज 6 लाख पर एनम सैलरी हैज नेवर बीन अ बिग इशू फॉर मी। मुझे 9 साल का ट्रेनिंग फील्ड में एक्सपीरियंस है और मेरी अभी करंट सैलरी 6 लाख 1 साल में है, इसलिए सैलरी मेरा कोई मेरे लिए कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। स्टिल आई एम एक्सपेक्टिंग सैलरी एज कंपनी नॉर्म्स एज पर माई डेजिग्नेशन माई क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस विच कैन हेल्प मी टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ लेबल ऑफ माई पर्सनल एंड इकोनॉमिकल नीड। पर मैं अभी भी सैलरी ऐसी एक्सपेक्ट करता हूँ जो कि कंपनी के हिसाब से हो, मेरी जॉब पोजीशन के हिसाब से हो, मेरी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से हो और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से हो, जिसकी हेल्प से मैं अपना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बहुत अच्छे से मेंटेन कर सकूं। तो देखा हम लोगों ने एक बहुत टिपिकल आंसर को कितनी स्मार्टली हैंडल किया। ओके, अब हम लोग अगले सवाल की ओर आते हैं। व्हाट आर योर करियर गोल। आपका करियर गोल क्या है। अब यहाँ पे इंटरव्यूअर जानना चाहता है कि आपकी सोच क्या है, आपने अपने बारे में क्या क्या सोचा हुआ है। तो गोल का हिंदी में अर्थ होता है लक्ष्य। ये आपके दो टाइप के होंगे, एक होता है शॉर्ट टर्म गोल और एक होता है लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल वो होता है जो कि एक महीने में या कुछ हफ्तों में ही पूरा हो जाएगा, और लॉन्ग टर्म वो होता है जो शायद कुछ महीनों में या फिर कुछ सालों में पूरा हो पाएगा। तो इसके भी हमारे जो एग्जाम्पल होंगे वो इस टाइप से होगा। माई शॉर्ट टर्म गोल इज गेट अ जॉब इन रेपुटेटेड कंपनी वेयर आई कैन यूटिलाइज माई स्किल एंड माई करियर पाथ। मेरा जो छोटा सा गोल है वो अभी के लिए ये है कि मैं किसी अच्छी कंपनी में जॉब पा सकूं, जहां पर मैं अपनी स्किल और अपने करियर पाथ को बढ़ा पाऊं। माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू बी इन रिस्पेक्टेबल पोजिशन इन दैट ऑर्गेनाइजेशन। और मेरा लॉन्ग टर्म का जो गोल है वो ये है कि मैं उसी कंपनी में एक बहुत अच्छी पोजिशन
पोजीशन पर पहुंच जाऊं। तो यहां पर मैंने दोनों गोल्स को एक ही सेंटेंस में बता दिया। ओके, अगले सवाल की ओर आते हैं हम लोग। व्हाई डू यू वांट टू वर्क एट आवर कंपनी, आप हमारी कंपनी के साथ क्यों काम करना चाहते हो? तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं। टेल देम व्हाट यू लाइक अबाउट कंपनी, आप कंपनी के बारे में जो पसंद करते हो वो आप उन्हें बताइए। रिलेट इट टू योर लॉन्ग टर्म करियर गोल, जो आपके करियर का गोल है आप उसे इसके साथ में जोड़िए। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। सर इट इज ग्रेट प्रिविलेज फॉर एनी वन टू वर्क इन अ रेपुटेटेड कंपनी लाइक योर्स। व्हेन आई रीड अबाउट योर कंपनी आई फाउंड दैट माई स्किल्स आर मैचिंग योर रिक्वायरमेंट्स, वेयर आई कैन शोकेस माई टेक्निकल स्किल टू कंट्रीब्यूट टू द कंपनी ग्रोथ। सर मेरे लिए बहुत महानता की बात होगी आप जैसी अच्छी कंपनियों के साथ काम करना, जहाँ मैंने आपकी कंपनी के बारे में पढ़ा हुआ है और जो मेरी स्किल है वो आपकी आवश्यकता के हिसाब से मैचिंग है। जहाँ पर मैं अपनी टेक्निकल स्किल को दिखाकर या उसका यूज करके कंपनी की ग्रोथ में बहुत हेल्प कर सकता हूँ। ओके, अब अगले सवाल की ओर आते हैं हम लोग। टेल मी व्हाट यू नो अबाउट दिस कंपनी, इंटरव्यूअर जानना चाहता है कि अगर आप उसके पास इंटरव्यू देने के लिए आए हो तो क्या आपने उनके बारे में पहले से कुछ पढ़ा हुआ है। अगर आप इसका आंसर बहुत स्मार्टली देते हो तो इंटरव्यूअर आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड आपके प्लानिंग को बहुत इम्प्रेसिव हो जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं। स्टडी अबाउट द कंपनी इन डिटेल, आप जहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं आपको उस कंपनी के बारे में पहले से इंटरनेट से पढ़ना होगा। डू द बैकग्राउंड वर्क, व्हाट न्यू प्रोजेक्ट, उस कंपनी के पास अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं ये पहले से आपको पता होना चाहिए। रिसर्च अबाउट द कंपनी करेंट इशू, उस कंपनी में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको पता होनी चाहिए और उसके बारे में आप अच्छे से रिसर्च करके जाइए। नो द नेम ऑफ ऑनर एंड पार्टनर्स, उस कंपनी के मालिक और उसके पार्टनर्स के नाम क्या क्या हैं, वो कंपनी कब से बनी हुई है। अपडेट योर नॉलेज अबाउट देयर कंपटीटर, उस कंपनी के जो भी कंपटीटर होंगे उनके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब इसका भी हमारा एक एग्जाम्पल है। इट इज द वन ऑफ द बेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी इन इंडिया, द वर्क एनवायरनमेंट ऑफ कंपनी इज वेरी गुड, पीपल फील प्राउड टू बी पार्ट ऑफ द कंपनी एज कंपनी प्रोवाइड फुल सपोर्ट टू देयर एम्प्लॉयज इन प्रोफेशनल फ्रंट, इट हैज मैनी ब्रांचेस अक्रॉस द वर्ल्ड, सो आई हैव गुड अपॉर्चुनिटी टू शो माई टैलेंट। सर आपकी कंपनी इंडिया की बहुत तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों में से एक है, यहाँ का काम करने का जो तरीका है वो बहुत अच्छा है, जो भी आपके एम्प्लॉयज हैं वो बहुत प्राउड फील करते हैं आप जैसी कंपनी के साथ काम करके, क्योंकि आप लोग अपना फुल सपोर्ट देते हैं और आपके ऑफिसेज की बहुत सारी ब्रांचेस अलग अलग जगह पर हैं, तो मैं यहाँ पर अपने टैलेंट को बहुत अच्छे से निखार सकता हूँ। ओके, तो इसका आंसर भी हम लोगों ने अभी सीखा। अब हम लोग अगले सवाल की ओर आते हैं। ये क्वेश्चन उनके लिए है जो एक्सपीरियंस है और जो अपनी किसी जॉब को छोड़ के अगली जॉब में आ रहे हैं। व्हाई आर यू लुकिंग फॉर जॉब चेंज, इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि आप जॉब क्यों चेंज करना चाहते हैं। तो इसमें वो ये जानना चाहता है कि एक्चुअली में आप चाहते क्या है किसी कंपनी से। तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स होंगे। थैंक्स टू प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले आप अपने पिछली कंपनी को थैंक यू कहिए। एक्सप्लेन व्हाट यू लर्न फ्रॉम पास्ट जॉब एक्सपीरियंस, आपने अपनी पिछली कंपनी में क्या क्या सीखा उसके लिए आप पहले उनको बताइए। शेयर योर रीजन फॉर जॉब चेंज, फिर उसके बाद में आप किस रीजन से जॉब चेंज कर रहे हैं वो आपको उनको बताना होगा। फिर उसके बाद में रिलेट टू करियर गोल्स,
कि अब आप अपने करियर से क्या चाहते हैं। तो इन चारों पॉइंट को मैंने एक सेंटेंस में यूज किया हुआ है। एग्जाम्पल है, आई एम थैंकफुल टू माई प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज आई हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देयर। अकॉर्डिंग टू मी, चेंजेस आर नेसेसरी फॉर एवरी वन टू इनहेंस योर स्किल नॉलेज एंड फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड फाइनेंशियल ग्रोथ। योर ऑर्गेनाइजेशन इज गुड प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन लर्न मोर। सर, मैं अपनी पिछली कंपनी को बहुत थैंक यू कहता हूँ जहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा, बट मेरे हिसाब से चेंजेस होना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि चेंजेस होने से आपकी नॉलेज, आपकी पर्सनल ग्रोथ और आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी होती है। तो मैं आप जैसी कंपनी के साथ काम करके और भी बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ और अपनी ग्रोथ करना चाहता हूँ। ओके, अगले सवाल पर आते हैं। ये आखिरी सवाल होता है, जब आपका सारे सवाल हो जाते हैं तो इंटरव्यूअर ने अभी तक आपसे सारे सवाल किए थे, अब वो आपसे पूछता है फाइनली, डू यू हैव एनी क्वेश्चन टू मी। अब ऐसा कोई सवाल जो आपको मुझसे पूछना हो, तब उस केस में कुछ पॉइंट होते हैं। एक्सप्रेस थैंक्स, सबसे पहले आपको उनको थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि उन्होंने ये मौका आपको दिया हुआ है। फिर अगला होता है सैलरी स्ट्रक्चर, कि उनकी सैलरी किस किस हिसाब से होगी। जॉब टाइमिंग, काम करने का टाइमिंग क्या होगा। जॉब लोकेशन, जो आपका जॉब होगी वो कहाँ पर होगी। ओवर टाइम अलाउंस, अगर उस ऑफिस में ओवर टाइम होता है तो उसकी सैलरी कितनी होगी। ट्रेनिंग पीरियड, कितनी ट्रेनिंग होगी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, क्या वो लोग कैब वगैरह आपको देंगे क्या। तो इसको सेंटेंसेस में कैसे यूज करेंगे आइए देखते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी सर, आई वुड लाइक टू नो अबाउट द जॉब टाइमिंग एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एंड व्हाट विल बी द जॉब लोकेशन एंड सैलरी स्केल फॉर द जॉब इन योर ऑर्गेनाइजेशन। सर, बहुत बहुत थैंक यू, आपने मुझे ये बात पूछने का मौका दिया। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी जॉब टाइमिंग क्या क्या होगी, क्या आप मुझे कैब प्रोवाइड कराएंगे, इसके अलावा जॉब की लोकेशन कहाँ पर होगी और सैलरी का स्ट्रक्चर क्या होगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे। तो गाइज, हम लोगों ने सीखा कि ये 10 सवालों के कैसे हम स्मार्टली आंसर देते हैं। और आखिरी में, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू। अगर आप न्यू इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये 10 क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच। और सबसे आखिरी में, ये अगर आपके लिए बहुत हेल्पिंग है तो गाइज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सब्सक्राइब का ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है, प्लीज प्रेस दिस आइकन। और अगर आपने पहले से इसको सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच। बट इस वीडियो को आप कुछ अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली में शेयर करना है, जैसे इसने काफी आपको फायदा और नॉलेज दिया होगा, सेम उनको भी ये प्रॉफिट होना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो।